हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की जो ये व्लॉग बनाने का मकसद जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे दो चार भाइयों के मैसेज आए थे। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी हम बात करेंगे कि जो अब जो जनवरी इनटेक के जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए जॉब्स का, अकोमोडेशंस का क्या इशू है और क्यों है, इसकी क्या रीज़न्स चल रही हैं, और आपको किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा, तो मुझे दो चार मैसेजेस ये आए थे कि भाई फर्स्टली तो हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रही। अकोमोडेशन तो चले मिल गई, तो मेन जो आ रहा है वो जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, मैंने उनको जो है गाइड किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बेसिकली जो जनवरी इनटेक होता है ना, जनवरी के अंदर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे कम ही होती हैं, ठीक है। और सेकंड इशू ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वीज़े बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स कम पड़ गई हैं, ठीक है। और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया कि आप किस जगह में रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एडनबरा रहता हूँ, तो जॉब इश्यूज़ यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आप यकीन नहीं कर सकते कि कल भी एक बंदा आया था, दो दिन पहले भी मेरे जो है वो मार्ट पे तीन चार बंदे आए थे जो कि स्टूडेंट्स थे, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो कि अभी जनवरी में ही इनटेक लिया और जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, हर जगह हमने जो है वो अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया, अपनी सीवी दी है कि हमें जॉब मिले। तो जॉब ना मिलने क्या सिचुएशन है, देखें इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जब ये क्रिसमस आता है तो ये लोग जो हैं ये अपने जो हैं मोस्टली ये जो होते हैं यहाँ के रिहायशी, ये लोग पैसे खर्चते हैं, ठीक है, और न्यू ईयर पे भी जो है ये अपने अच्छे खासे पैसे लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना, ये आप समझ लें कि काम थोड़ा स्लो हो जाता है, शॉप्स की रनिंग स्लो हो जाती है। जैसे कि मैं अगर मार्ट पे काम करता हूँ, स्टोर पे काम करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सेल्स जनरेट हो रही होती हैं वो लोएस्ट हो जाती हैं, वो पहले से कम हो जाती हैं, ठीक है। और इसको स्टेबल होने में जो है वो एक दो महीना लग जाता है। मीन्स उसे कि अभी फरवरी चल रहा है, फेब में जो है वो जाके कुछ सिचुएशन सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। और जनवरी के अंदर तो आप यकीन माने कि कोई भी नहीं रखता, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है। आपको ना ये स्टोर्स वाले जॉब देंगे, ना आपको ये टेक अवे वाले जॉब देंगे, ठीक है, या आपको यही कहेंगे अच्छा हम आपको बुला लेंगे, कॉन्टैक्ट दे देंगे। लेकिन अब जो एक बंदा यार इतने पैसे लगा के आया है और उसने अपनी फ़ीस भी देनी है, तो यार वो मतलब कि इस सिचुएशन में कैसे पूरा करेगा इसको, ठीक है। तो ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये हर साल ही होते हैं, अब ज़्यादा क्यों हो गए हैं जॉब इश्यूज़, अब इसलिए हो गए हैं जॉब इश्यूज़ सबसे ज़्यादा क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हुए हैं, वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, और जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, ओबियसली जो पहले इनटेक में आए हैं, जो पुराने वर्कर हैं, जहाँ जो अब PSW पे हो गए हैं, जो फुल टाइम वर्क अलाउ हो चुका है जिनको, ऑब्वियसली अब वो भी काम कर रहे हैं, तो जो परमानेंट पहले से ही काम कर रहे हैं वर्कर्स वो तो नहीं अपनी जगह छोड़ेंगे। तो जब न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने होंगे तो तभी वैकेंसीज बनेंगी, और आप IBOS इनटेक में हैं जहाँ पे जॉब के लिए जो है वो एक दो महीने जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो काम होता है, जॉब नहीं मिल रही होती। तो अब इस सिचुएशन में भाई आपने करना क्या है, देखें पहली बात ये हिम्मत नहीं हारनी, हर जगह अप्लाई कर दो। अभी भी कौन से ऐसी जॉब है जो मिल सकती है, जो आप कर सकते हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा एक मेन जॉब है वो है डिलीवरी की जॉब, ठीक है, वो अभी भी है, वो अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अगर लेकिन उसके लिए यही दो कंडीशन है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए ताकि आप डिलीवरी कर सको, गाड़ी नहीं है साइकिल ले लो, साइकिल बाइक मतलब कोई भी चीज़ जो है आप इन तीनों में से किसी भी जो है वो एक चीज़ को परचेज़ करके रेंट पे लेके डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, ये वो जॉब है जो मिलेगी, अभी भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि यार मार्केट में, स्टोर्स में, और जैसे कि अमेज़न के वेयर हाउसेस पे, तो वहाँ पे अभी जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि जॉब्स जो हैं वो कम हैं, स्लो हैं, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। यार मतलब कि जो मेरे पास शॉप पे जो दो तीन बंदे आए मेरी यूनिवर्सिटी के, जो जनवरी डेग में आए, वो कह रहे हैं कि हमें एक महीना हो गया हमें जॉब नहीं मिली है, ठीक है। हम किसी को दो घंटे भी मिल रही है तो वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बंदा आप समझ लें कि मेरी शॉप पे तकरीबन एक महीने से आ रहा था, और मैंने उसे अभी कल पूछा था कि भाई कुछ जॉब का बना, कि जॉब मिली आपको, तो मुझे बता रहा था कि यार मुझे अब जाके जो है वो एक वेयर हाउस में पैकिंग की जॉब मिली है, ठीक है, चीज़ों को पैक करना है, और उसके लिए मुझे जो है वो 3 hours जो है उन्होंने इन अ डे जॉब रखी है, और आई थिंक सो इन अ वीक 15 to 16 hours की जो है मुझे जॉब मिली है सिर्फ। तो मतलब कि यार आप ख़ुद ही हिसाब लगा लेंगे, एक बंदा 15-16 घंटे की जॉब करके, और वेज रेट आई डोंट नो कि उसको क्या दे रहे हैं, तो यार वो कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो मुश्किल ज़रूर बनी हुई है, लेकिन आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, डिपेंड ऑन योर लक। कभी किस्मत साथ थोड़ी देर बाद देती है, कभी पहले मिल जाती है, लेकिन बेहतर होता है। तो लेकिन जो जॉब्स की अभी भी अवेलेबिलिटी है वो ये है कि भाई डिलीवरी स्टार्ट कर लो, साइकिल लो, काम पे निकल जाओ, मिल जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ कि मिलेगी, और अच्छे पैसे अर्न करोगे, ठीक है। एक तो ये वाली जॉब, सेकंड ऑनलाइन अप्लाई करो, डिफरेंट वेबसाइट्स नियर मी टू जॉब्स, अगर इस तरह से भी नहीं पॉसिबिलिटी बनती तो थर्ड, जिस तरह ये डिफरेंट ऑफिसेज बने होते हैं, इस तरह जॉब ऑफिसेज भी बने होते हैं, ठीक है। उनके पास जाओ, उनको जॉब का बताओ, वो आपको बताएंगे CV ड्रॉप करो, ऑनलाइन CVs ड्रॉप करो, मतलब कि हर जगह जो है ना वो आपने इसको करना है, ठीक है। तो जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। अब ऑब्वियसली अब फैब है वो एंड, फैब स्टार्ट हो चुका है, फैब के मिड में या एट दी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, काम बढ़ता है तो वर्कर भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे, जब काम स्लो होगा तो वर्कर की ज़रूरत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सी वीडियो थी, क्योंकि आज मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास थी, तो आपका भाई उठा हुआ था, तो मैंने कहा यार मैसेजेस भी आए थे कुछ भाइयों के, तो मैंने कहा ये बात जो है वो आपको भी शेयर की जाए, जो भाई परेशान है अपनी जॉब के लिहाज से, और वो चाह रहे हैं कि हम जॉब कैसे कर सकते हैं, तो भाई ये उसके लिए है। क्योंकि एक मेन चीज़ और जो हमारे पास सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, ऐसा ही है कि जिसके लिए स्टूडेंट कार्ड बनवाना पड़ता है, ऑब्वियसली जब बच्चा आता है तो उसके लिए भी वो 400-500 एक्सपेंस वो कवर करता है, उसका एग्ज़ाम देता है, उसको क्लियर करता है, तो मतलब कि उसके लिए भी पहले पैसे चाहिए, और फिर उसमें भी अभी जो है ना जॉब्स कम हुई हैं सिक्योरिटी की भी, ठीक है। तो किसी को जल्दी भी मिली है, किसी को नहीं भी मिल रही, तो मैं फिर वही कहूँगा, ठीक है, कि परेशान नहीं होना, मिल जाएगी जॉब। मैंने आपको वो जॉब्स बताई हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, जो अभी भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।